केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 5 दिसंबर के जयपुर दौरे की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तैयारियों को लेकर कल प्रदेश भाजपा समिति की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद अमित शाह पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। बड़ी अहम प्रदेश कार्य समिति 4 और 5 को संपन्न होगी। कार्य समिति के समापन सत्र को देश के गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी संबोधित करेंगे। अमित शाह जी का कार्य समिति को, नई कार्य समिति को पहला संबोधन होगा। मार्च में श्रीमान जेपी नड्डा जी हमारे बीच में पधारे थे। श्रीमान अमित शाह जी की कार्य समिति को संबोधन में हम लोग राजनीतिक और संगठन के विषयों पर चर्चा करेंगे ही, लेकिन निश्चित रूप से उनका आगमन होगा तो क्योंकि आधे से ज़्यादा समय सरकार का, इस राजस्थान की सरकार का बीता है और हम लोगों को निरंतर अब आगे 2023 के लिए अपने आप को तैयार करना है। पार्टी ने संगठन की, सशक्त मंडल की, अभियानों की चर्चा की है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी और ज़्यादा मुखर होकर पार्टी काम करे तो उस मामले में अमित शाह जी का जो संबोधन है वो कार्य समिति में, जिसमें सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, मोर्चों, प्रकोष्ठों के सभी प्रमुख लोग रहेंगे, इसलिए अमित शाह जी की उपस्थिति एक अहम होगी और उनका संबोधन निश्चित रूप से राजस्थान की इकाई को ऊर्जा देगा।